क्या आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप कोई ऐसा AI टूल ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सके? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट है आपको उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है फ्लिकी AI वेबसाइट। आपको ये वाली वेबसाइट शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, देन आपको इसे साइनअप कर लेना है गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर। टर्न टेक्स्ट इनटू वीडियोस विद AI वॉइस, तो आप यहां पर देखेंगे इस तरीके से आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्लिक कर लेती हूं स्टार्ट फॉर फ्री पर। तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है स्टार्ट फॉर फ्री पर और आपको इसे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहां पर न्यू फाइल पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं न्यू फाइल पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर ऑडियो आपको सिलेक्ट करनी है क्योंकि हम अपने टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई फाइल नेम ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ एक फ़ाइल नेम, आप चाहे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ स्क्रिप्ट। देन यहाँ पर है लैंग्वेज, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है या अदर कोई लैंग्वेज है, आप यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज। देन यहाँ पर कंट्री नेम है इंडिया और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। आपका जो भी टेक्स्ट है, आप जिस भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देती हूँ। देन यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है और आपकी ऑडियो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। यहाँ से आप अपनी ऑडियो को प्ले करके ये सुनकर देख लें आपकी ऑडियो किस तरीके से जनरेट हुई है। और यहाँ पर है डाउनलोड, आपको ऑडियो को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करना है और आप इजीली अपनी ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर है बहुत सारी सेटिंग्स है, आप चाहे तो सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम आप कितनी चाहते हैं, स्पीड आप क्या रखना चाहते हैं वॉइस की, यहाँ से आप सभी कुछ एडजस्ट कर ले। और यहाँ पर है ऑडियो फेड, अगर आप ऑडियो फेड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये सभी कुछ सेटिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन अप्लाई ऑल पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमारी जो ऑडियो है वो जनरेट हो चुकी है और ये पैराग्राफ है। और इस तरीके से पैराग्राफ पर ये डाउनलोड का आइकन भी शो होता है और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑडियो को डाउनलोड कर ले। और यहाँ से अगर आप वॉइस ओवर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वॉइस ओवर। आपको जिसकी भी वॉइस चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और आप जेंडर अगर मेल या फीमेल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप ये ऑडियो प्ले करके सुनकर देख ले इस तरीके की हमारी AI वॉइस जनरेट हुई है। AI टूल ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सके? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप अपने टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।